मोदी 3.0 के संभावित मंत्रियों को फोन पहुंचना शुरू हो चुका है। शपथ से पहले सभी मंत्रियों के साथ पीएम मोदी चाय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह महात्मा गांधी और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके बाद पीएम ने वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को नमन किया। वो आज शाम करीब 7:15 बजे आपको बताएं कि राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। शपथ लेने के साथ ही मोदी पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के 62 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। नेहरू 1952, 1957 और 1962 में लगातार तीसरी बार विजयी होकर पीएम बने थे। हालांकि नेहरू की सरकार पूर्ण बहुमत में थी। मोदी की तीसरी पारी गठबंधन की बुनियाद पर चलेगी। तो बीजेपी की जो तीसरी पारी है वो गठबंधन की बुनियाद पर चलेगी। 3 तस्वीरें जिसमें पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल और अब जो है 9 जून यानी कि आज शाम को करीब 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ पीएम नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। 26 मई 2014 ये पहला वो ऐतिहासिक समय जब पीएम नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर पहला कार्यकाल था। वो तस्वीर भी आपके सामने और किस तरीके से मोदी 2.0 की तस्वीर वो भी हमने आपको दिखाई 2019 की और अब आज का दिन और आज के दिन को से पहले ये 3 तस्वीरें आपके सामने जिसमें राजघाट पर बापू को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने वो पहुंचे। सदैव अटल पर बीजेपी को नमन किया। महान सपूतों को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने नमन किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जिसमें दरअसल आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और ऐसे में इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नागेंद्र, इस तरीके से अब जो ये तीसरी पारी है गठबंधन की बुनियाद पर ही चल पाएगी, हालांकि इसको लेकर तैयारियां आज सुबह से शुरू हो चुकी है। कई तमाम नेताओं को फोन आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। देखिए लता, एनडीए का जो गठन हुआ था वो प्री पोल हुआ था, यानी चुनाव से पहले का ही गठबंधन है और जो सहयोगी दल है सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो एनडीए का हिस्सा है और सरकार जो है पूरे 5 साल चलेगी। तो दावे पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि क्योंकि जो गठबंधन की सरकारें होती है उसमें जो मुख्य पार्टी होती है वो सबको एक साथ लेकर चलती है और आप देखिए कि यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें संगठन, इतने राजनीतिक दल इसमें है और एक सांसद से लेकर और 16 सांसद तक इसमें विपक्ष के जो एनडीए के घटक दल हैं उनके हैं। तो सभी की अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी मांगे हैं, उन सबको साथ लेकर चलना एक बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए भी है और सबसे बड़ा घटक दल होने के नाते भाजपा की भी है। तो अब आप देखिए कि जैसी खबरें आ रही हैं, अब बिहार की बात करें तो बिहार में 3 जो पार्टी है सभी के नेताओं को फॉर्म गए हैं और उन्हें शपथ लेने के लिए उन्हें कहा गया है, चाहे उनका नाम मानवीय पीपुल्स पार्टी हो। और अभी जो खबरें आ रही हैं वो गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी दोनों पहुंचे हैं और जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद है। अब क्या मुद्दा है, किसने उन्हें बुलाया है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन बीती रात उन्हें कॉल जल गई थी सपने के लिए और देखिए अगर हम सबसे जो सीनियर नेता है जो सांसद जीत के आए हैं उसमें जीतन राम मांझी है, 80 साल उनकी उम्र है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो आप देखिए कि अब क्या वजह है, क्या कोई टकराव है किसी तरह का हिस्ट्री को लेकर या किसी भी तरह का, वो अभी बिल्कुल। और जिस तरीके से नागेंद्र अभी 11:30 बजे करीब जो नेताओं के साथ नए चेहरों के साथ जो मीटिंग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले, यानी कि तय किया जाएगा कि किस किस को मंत्रिमंडल में जो है शामिल किया जाए, क्योंकि जयंत चौधरी का नाम सामने आ रहा है, हालांकि अनुप्रिया पटेल सहयोगी दल में मंत्री है ही और तमाम जो कई नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि कौन कौन चेहरे इस मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं और किस तरह की चुनौती भी सरकार के सामने अब आप देख रहे हैं 3.0 की सरकार में? देखिए ये तो सब तय हो चुका है कि
कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं, चाहे वो भाजपा के नेता हो चाहे सहयोगी दलों के हो, तो ये तो तय हो चुका है। लेकिन हाँ किसी का थोड़ा बहुत ये जरूर हो सकता है, जैसा कि अभी जीतनराम मांझी के साथ भी बैठक चल रही है कि कुछ मिनिस्ट्री को लेके इशू हो कि MOF बनाया जा रहा है या केंद्रीय मिनिस्ट्री, किस तरह का उनका है। तो बैठक आपको बताएं कि चल रही है और ऐसे में अब जो है नज़र सबकी इस पर टिकी हुई है कि अब जो 11:30 बजे PM नरेंद्र मोदी जो है चाय पर चर्चा करने वाले हैं और इसके अलावा जो अमित शाह के घर पर बैठक हो रही है, क्या कुछ बैठक के बाद इसके मायने और संकेत निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया नगेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो फोन की घंटी बजे किसको आस और कौन निराश, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आपको बता दें कि आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है करीब 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ तीसरी बार लेंगे और नेताओं का जो है दिल्ली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। राष्ट्राध्यक्ष जो है वो अलग अलग राष्ट्रों से वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं और आज का एक बार फिर से ऐतिहासिक दिन, क्योंकि इस लोकतंत्र के महापर्व के बाद अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।